देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में आज बसंतोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भूषाला में सूर्योदय से ही माँ वाग देवी की पूजा अर्चना हवन प्रारंभ हुआ। श्रद्धालु दर्शन को पहुंचने लगे। प्रशासन व पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रहे। लालबाग से शहर में माँ वाग देवी के तिल चित्र को बग्गी पर रखकर शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा को निकाला गया। इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। तत्पश्चात मोतीबाग चौक में धर्म सभा को शैलेशानंद गिरिजी महाराज के द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि अब नया युग आ गया है। अब कार्बन डेटिंग का साइंटिफिक समय है। हर पत्थर के साइंटिफिक तरीके से कार्बन डेटिंग की जा सकती है। वही उन्होंने कहा कि राजा भोज के गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहिए, सनातन स्थापित होना चाहिए। तत्पश्चात माँ वाग देवी के तेल चित्र को भोजशाला में स्थापित कर आरती की गई। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। बसंत के साथ संत का आगमन, भोज उत्सव समिति के द्वारा उनका अभिनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है। धान से निर्मित मोदक नौ कुलू के, नौ नाथों के, नौ नागों के, नौ रात्रों के ऊर्जाओं से परिपूर्ण मोदक हम आज गणेश जी को अर्पित करने यहाँ आए हैं। ये उद्घोष है, उनसे हम निवेदन करते हैं कि हमारी माँ सरस्वती हमें रोज पुकारती है। हमारी माँ सरस्वती की अर्चना हमें करना है। कभी खुद करने निकल गए तो क्या होगा। कुछ उस तरफ के लोगों को अंतिम पंक्ति में कहना चाहूंगा, बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, उठो लंकशो के सर पर आफताब आ गया। कब तक मुर्दों पे रोते रहोगे। गया अब तो इतिहास रचने का काल है। छोड़ो जीत, मिल बैठ करके स्वर्णिम काल को आनंद ले। भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। तो मैं धार की जनता से निवेदन करता हूं, राजा भोज का गौरव पुनर्स्थापित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यंग्य के बिना स्थापित होना चाहिए, यह सत्य है, किंतु सनातन स्थापित होना चाहिए। आप सभी को आज हमारे बीच हमारे अतिथि मंच पे आए और परिचय दे। परिचय है माता सरस्वती की जय। श्री राम। जय श्री राम। राजा भोज की।
बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत जय। भैया